दारुलकुमत दिल्ली में टीआरएस पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कल एमएलसी के कविता ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बताया किसान मुखालिफ। धान की खरीदी के मसले पर बीजेपी और टीआरएस में लफ्जी जंग जारी। बंडी संजय ने केसीआर पर लगाया किसानों को वरगलाने का इल्जाम। कहा, दिल्ली से वापसी के बाद केसीआर का बिगड़ चुका है दिमागी तवासुन। तेलंगाना कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस दौर के 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से 1073 मुस्लिम बच्चों को मेडिकल में फ्री सीट हासिल होने की कही बात। केसीआर पर लगाया बीजेपी के एजेंडे पर चलने का इल्जाम। तेलंगाना के साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने बनाया स्टार कैंपेनर। कांग्रेस तर्जुमान वेणुगोपाल ने किया ऐलान। सोनिया गांधी ने भी दे दी रजामंदी। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने तेलंगाना के सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पतालों से बताया बेहतर। सिद्दीपेट जिले में आशा वर्कर्स में तकसीम किए सेलफोन्स। और तेलंगाना भर में रिवायती जोश व खरोश से निकाला गया रामनवमी का जुलूस। भैंसा में अदालती अहकाम की गई खिलाफ वर्जी, तो बांसवाड़ा में दिखाई दी मुस्लिम नौजवानों ने पेश की रामनवमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल।